नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप सिंह ब्लॉग्स और मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अभी अभी मैंने जस्ट मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पर धमाका, कार्तिक आर्यन मृणाल ठाकुर की। मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। मूवी स्टोरी ये है कि एक प्रेस रिपोर्टर है और एक जर्नलिस्ट है जो फील्ड पर जाके रिपोर्टिंग करती है। जो जर्नलिस्ट है ये है मिस्टर पाठक जी और जो रिपोर्टर हैं जो फील्ड पे जाकर रिपोर्ट करती है उनका नाम है मिसेज पाठक जी। तो मैं मेरा पाठक, तो पाठक जी के पास में मतलब मिस्टर पाठक जी के पास में एक कॉल आता है जब ये इनका डिमोशन हो चुका होता है और ये रेडियो जॉकी बन चुके होते प्राइम टाइम रिपोर्टर थे। इनके पास एक कॉल आता है कि हमारा नाम रघुवीर मेहता है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। तो इनको लगता है कोई मजाक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, तो ये उसको भाव नहीं देते हैं। फिर वो बोलता है हम सच में उड़ा देंगे। तो ये बोलते हैं मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ। तो वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस को कॉल करें। फिर ये बोलते तू जा साले उड़ा दे जाके भाड़ में जा कुत्ते साले, और वो उड़ा देता है सीलिंग को। तो कहानी यही है, वो सीलिंग को उड़ाता है। सीलिंग से जुड़ी हुई एक कहानी है कि जो सीलिंग बनाया गया था उस पर लेबर ने काम किया था और उसकी जब दोबारा से मरम्मत हुई थी तो उस के दौरान 3 लेबर उस पर सीमेंट थोपते हुए नीचे समुद्र में गिर गई थी, मर गई थी। और उस लेबर के लिए ना किसी ने कोई शोक जताया, ना किसी ने कोई मुआवजा दिया, ना किसी ने कुछ किया। तो ये जो लेबर गिरी थी उन्हीं का एक दोस्त होता है रघुवीर माटा जो ये कॉल करता है, और ये कॉल को ये मिस्टर पाठक जी के पास में करता है और पाठक जी इस कॉल को ब्रेकिंग न्यूज बना के रेडियो जॉकी से वापस प्राइम टाइम एंकर वाली नौकरी लेना चाहते हैं। तो वो अपने बॉस को थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हैं और इसको न्यूज बनाते हैं, न्यूज पे लेके आते हैं। न्यूज के दौरान मिस्टर रघुवीर माटा बार बार मिनिस्टर को शो पे बुलाने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप शो पे जयदेव पाटिल जी को बुलाइए जो कि मिनिस्टर हैं, और उनसे बोलिए कि वो जो मजदूर गए थे उनसे माफ़ी मांगे जो मारे गए थे। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता है तो वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो आगे क्या क्या फाड़ता है रघुवीर माटा, रघुवीर माटा की क्या सच्चाई होती है, कार्तिक आर्यन का क्या होता है, मृणाल ठाकुर का क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक एवरेज फिल्म है, और अगर फिल्म की बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें या फिल्म की थीम की बात करें या फिल्म किस चीज़ पर बेस्ड है उसकी बात करें तो एक अच्छी फिल्म है। कार्तिक आर्यन ने अपने रोल को सही सलामत किया है, मृणाल ठाकुर का रोल थोड़ा कम है तो सही सलामत किया है, और भी बाकी इसमें थोड़े से दो चार लोग हैं जैसे उनकी बॉस है अंकिता बॉस, वो बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं है उनका, लेकिन मैं उनका नाम जानता हूँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने सही सलामत किया है बॉस के रोल को। एक पुलिस वाले भी आए हैं इसमें, एंटी टेररिज्म स्क्वाड होती क्या होती है वो, टेररिस्ट काउंटर स्क्वाड होती है, मतलब टेररिस्ट से कैसे बात करनी क्या करना है वो वाली स्क्वाड होती है, वो भी आते हैं बीच में, उनका करेक्टर भी ठीक ठाक था। तो फिल्म थ्रिलर है, सस्पेंस है, तो आपको इतना ज़्यादा थ्रिल नहीं लगेगा, हो सकता है बड़े पर्दे पे आती तो ज़्यादा थ्रिल लगता। सस्पेंस बहुत ज़्यादा है फिल्म में, सस्पेंस तो आपको बिल्कुल एंड में जाकर पता लगेगा क्या है। अब ये बात हो गई टेक्निकली या फिल्म की कहानी से रिलेटेड जो भी बात है। तो कहानी में दो चार मिस्टेक जो मैंने पकड़ी थी, एक तो ये पकड़ी थी कि कार्तिक आर्यन ने उल्टी की, इस तरफ पहुंचता है इस तरफ, ठीक है। कार्तिक आर्यन के बगल में मिनिस्टर साहब का डिप्टी आया था और माथुर करके डिप्टी था, उस डिप्टी को मारा गया था, वो सिंघम फिल्म में भी है, सिंघम वन में है, तो वो डिप्टी को मारा था। रघुवीर माटा क्या करते हैं, कार्तिक आर्यन के ईयर पीस में भी जो होता है ईयर पीस रहता है एंकर के, उसमें भी बॉम्ब लगा देते हैं, बोलते हैं अगर तुम अपनी कुर्सी से हिले तो ये ईयर पीस फाड़ दूंगा, तुम्हारा सर ब्लास्ट कर दूंगा। तो वो अपनी कुर्सी से नहीं हिलता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब वो माथुर जी अंदर आए तो उनके ईयर पीस में भी बॉम्ब होता है, तो ये सारा ईयर पीस पहनाने वाला कौन बंदा था जो बॉम्ब पहना के भेज रहा था अंदर, और ये वो कौन लोग थे जिन्होंने माथुर को बॉम्ब ईयर पीस पहना के अंदर भेज दिया, माथुर को बिना ईयर पीस के भी भेज सकते थे जब पता है कि ईयर पीस में बॉम्ब है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और भी इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। तो वन टाइम वॉच फिल्म है, स्टार दूंगा मैं इसको 3 अपनी तरफ से, तो बहुत लंबा रिव्यू दूंगा नहीं, तो जाइए देखिए मजा लीजिए फिल्म का, क्योंकि अभी अभी आई है तो मज़ेदार है, कुछ नया है, फ्रेश है, ठीक है।
और ये उठाया गया है कि भैया सभी इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो लेबर हो चाहे वो बड़े तबके का कोई आदमी हो, और सभी के अपने अपने अधिकार हैं। तो अगर किसी अगर कोई छोटे तबके के आदमी से बड़े तबके के आदमी को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, तो माफ़ी मांगने में उसको कोताही नहीं बरतनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान ही है। बस ये फिल्म जो है इसी चीज़ को साबित करती है और इसी चीज़ पर ये बेस्ड है। पूरी वीडियो शूट करने के बाद में मैं ये क्लिप बना रहा हूँ छोटी सी, क्योंकि इस वीडियो में या अपने रिव्यू में मैं ये चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि इस मूवी में एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है, दिखाया भी गया है कि कैसे मीडिया रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, जर्नलिस्ट या ये बड़ी बड़ी फर्म जो न्यूज़ एजेंसी खोले बैठे हुए हैं, कैसे TRP के लिए कितने नीचे तक गिर जाते हैं, गटर में जाके घुस जाते हैं। इनको आम आदमी की ज़िंदगी से या किसी भी आदमी की ज़िंदगी से या किसी भी आदमी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, इनको मतलब है इनकी TRP से इनका पैसा आना चाहिए, बस। ये भी इसमें मुद्दा उठाया गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मुद्दे के लिए तो ये फिल्म देख ही लेनी चाहिए।